बहुत अग्रेसिव है, देखिए स्टैंड नहीं ले रहा है, वो हमला करने। सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं बीइंग सेवर यूट्यूब चैनल। और आज का रेस्क्यू हमने किया प्रतापगढ़ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर, कुंडा से नज़दीक नरसिंहपुर गांव में, जो कि हमारे बहुत ही फेवरेट ज़िले की शान श्री राजा भैया जी का क्षेत्र है। और जिन्होंने हमें बुलाया उनका नाम श्री वसंत सिंह विशेन है, जो कि नरसिंहपुर के निवासी हैं और राजा भैया के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके ख़ास गुजारेदार हैं। और उनकी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी के बीच में ही उन्होंने एक कबूतर खाना बनवाया है, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रजातियों के कबूतर पाल रखे हैं, जो आप देख सकते हैं। और उसी कबूतर या उनके अंडों को खाने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा कोबरा निकला हुआ था, जिसको उन्होंने देखा और हमें कॉल किया। वीडियो में बने रहिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही जीवों की और इंसानों की जान हम बचाते रहें, ऐसे मेहनत करते रहें। तो देखते हैं आगे कैसे क्या हुआ और हमने कैसे उस कोबरा को रेस्क्यू किया। दोस्तों, सबसे ख़ास बात ये रही कि इन्होंने जब सांप को देखा और हमें कॉल किया, उस समय हम एक ऑलरेडी रेस्क्यू कर रहे थे, और उसी रेस्क्यू के दौरान इनका कॉल आया और इन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया तकरीबन 3 घंटे तक। और पूरे 3 घंटे तक ये लोग इसी ईंटों के चट्टे के पास वेट करते रहे और देखते रहे कि वो सांप इधर उधर नहीं निकल पाए। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा इनका मैं करना चाहूँगा कि इन्होंने उस सांप को मारा नहीं, मारने का प्रयास भी नहीं किया। और फाइनली काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमें वो सांप दिख गया, जो कि ठीक पेड़ के पीछे ईंटे के चट्टे के अंदर बैठा हुआ था, और एक बहुत बड़े साइज़ का कोबरा था। इसे स्पेक्टिकल कोबरा हमारे यहाँ कहा जाता है, नॉर्मली भाषा में नाग कहा जाता है, गिहन कहते हैं, फिटार कहते हैं। और ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है इसके अंदर, बहुत ही ख़तरनाक, जिसके काटने पर इंसान की मौत होती है अगर वो सही समय पर हॉस्पिटल ना पहुँचे तो। 20-25 साल इसकी एज है लगभग। अरे ये है आटा, जो हमारा खतरा है। हाँ, कबूतर और उसके अंडे खाने के लिए अक्सर आते हैं। अब जान इसके काटने पर अगर आप हॉस्पिटल नहीं गए, इलाज नहीं हुआ, तो लोग बचते नहीं। अब बहुत अग्रेसिव है, देखिए स्टैंड नहीं ले रहा है, वो हमला करने के उसमें ज्यादा है। अगर छोड़ दिया तो लौट भी जाते हैं। ये 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 ना का तो ये एंगल है। अच्छा, एक वो गुड्डू मौर्या है। हाँ, गुड्डू मौर्या भी है। अरे होता है उस समय चले के निकाल दे, वो अलग बात या एंटी बेनम ही से बना। हाँ, एक ही जोन था जलिया वो फंसा रहा, जोन का बना रहा। सामान है जंगल अगर किचड़ी में बिक्रे वाला है ना, अभी है महीना, सब महीना डेढ़ महीना बाद, लेकिन समय है। शरीर का So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं बीइंग सेवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, ये नरसिंहपुर गांव है। तो हम बाकी की जानकारी सर से ही लेते हैं। आप श्री बसंत सिंह हैं और नरसिंहपुर के निवासी हैं, आप ही इसके बारे में बताएंगे कि इन्होंने हमारा नंबर कैसे लिया और कैसे इस सांप की जानकारी इनको हुई और कैसे हमें इन्होंने बुलाया।
अब असल में बापीदा को फोन किए तो उन्होंने जौनपुर किसी का सैफ मित्र का नंबर दिए, तो उनसे कहे तो आपका नंबर दिए दिलीप सिंह का, तो फिर हमने फोन लगाया तो कई बार उठा नहीं, तो उसके बाद में इन्होंने खुद किया। सबसे ज्यादा खुशी की बात है इस चीज की कि यहाँ पर भी अपने गांव में भी इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोग अब सांपों को देखने के बाद उनको मारते नहीं है, सीधा कॉल करते हैं। अब इन्होंने खुद सबसे पहले झारखंड फोन लगाया, वहां से जौनपुर फोन लगाया, वहां से हमारा नंबर कलेक्ट किया, फिर हमें फोन किया। हम 60 किलोमीटर दूर आए, इस रेस्क्यू को कम्प्लीट किया। पीछे आप देख सकते हैं ये ईंट का चट्टा है और ईंट के चट्टे से जुड़ा हुआ ये अक्सर को कबूतरों का शौक है। बहुत ही अच्छी नस्लों के कबूतर इन्होंने पाले हुए हैं और इन्हीं के अंडों को खाने के लिए कोबरा आया हुआ था। सही समय पर इन्होंने इसको देख लिया और इसको बराबर नज़र बनाए रखे जब तक कि हमारी टीम यहाँ पर आ नहीं गई, और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें बुलाया और हमें इस सांप को बचाने का मौका दिया। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि और भी जीवों की जान बच सके और ऐसे ही लोग जागरूक होते रहें सांपों के बारे में और भी तमाम सरीसृपों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।